दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में टेस्क्यू एलएस सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ जाती है, कौन सी प्रॉब्लम में दी जाती है, किस तरह से काम करती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, सावधानी क्या है, डोज कितनी होती है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए टेस्क्यू एलएस सिरप एक ब्रांड नेम है ब्लू क्रॉस कंपनी का। ब्लू क्रॉस कंपनी बनाती है, लगभग हर दवाई दुकान पर, हर केमिस्ट स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। काफी पुराना और फेमस प्रोडक्ट है तो मिल जाता है। इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें भाई कौन सी बीमारी में दिया जाता है, कहाँ यूज होता है, तो दोस्तों ये एक्सपेक्टोरेंट है, एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉब्लम में दिया जाता है, खांसी की प्रॉब्लम में दिया जाता है, सांस लेने दिक्कत है, कफ के कारण सांस लेने दिक्कत होती है, सीटीसी बचती है कफ के अंदर, अस्थमा है, अस्थमेटिक एलर्जी है, वहां दी जाती है, नाक के अंदर मुक्कस नाक बंद रहता है तो वहां पर भी काम करती है, गले में कफ जमता है वहां पर भी काम करती है, तो कफ को कम करने के लिए, बाहर निकालने के लिए दी जाती है, कफ वाली खांसी में दी जाती है, गीली खांसी में, वेट कफ में दी जाती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर आते हैं तीन सोल, पहला है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा है लियोसल्बुटामोल और तीसरा है ग्यूफिनचिन। दोस्तों लियोसल्बुटामोल ब्रीथिंग को इजी करता है, श्वास नली को चौड़ा करता है जिससे कि ब्रीथिंग करने में इजी हो, एम्ब्रोक्सोल ब्रीथिंग को इजी करता है, साथ ही साथ ये श्वास नली में से कफ को क्लीन करता है, श्वास नली को चौड़ा करने का काम करता है। ग्यूफिनचिन दोस्तों एक्सपेक्टोरेंट होता है, कफ को पतला और ढीला कर बाहर निकालता है तो उसमें ही काम करता है। इस तरीके से तीनों सोल्ट मिलकर काम करते हैं। बात करें भाई डोज की, तो देखिए डोज जो होती है ये 5 ml दिन में 2 बार भी ले सकता है, 3 बार भी ले सकता है अगर कोई बड़ा आदमी है तो दिन में 2 से 3 बार दी ली जा सकती है। बात करें भाई साइड इफेक्ट के बारे में, तो देखिए थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नींद आने में दिक्कत होना, पेट दर्द होना, सर दर्द होना, कब्ज रहना, वोमिटिंग हो जाना, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये हर किसी में होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी इसकी ये है कि डॉक्टरी सलाह से लेना है, प्रेगनेंसी ब्रेस्टफीडिंग में डॉक्टरी सलाह से लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों इसका संपूर्ण रिव्यू वीडियो इस लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझिए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।